पटवार परीक्षा 2021 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही दो पारियों में 23 व 24 तारीख को होने वाली इन परीक्षाओं को लेकर परीक्षा से जुड़े संबंधित कर्मचारी व अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए परीक्षा पूर्ण पारदर्शिता पूर्ण नियमों के अनुसार कराए जाने के दिशा निर्देश नोडल अधिकारी द्वारा जारी कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए अलवर जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर व परीक्षा से जुड़ी प्रभारी डॉक्टर सुनीता पंकज ने बताया कि आगामी दो दिनों में होने वाली परीक्षाओं को दो पारियों के तहत सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे व 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत अलवर शहर में 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही इन परीक्षाओं में प्रत्येक पारी में 22,422 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षाओं को लेकर भरतपुर और दौसा से आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के तहत अस्थायी 400 बसों का निर्धारण किया गया है, जिसके माध्यम से परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाना जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाएगा। पटवार भर्ती परीक्षा 2021 दिनांक 23 और 24 को दो दो पारियों में अलवर जिले में हो रही है। प्रत्येक पारी में लगभग 22,422 स्टूडेंट्स जो हैं प्रत्येक पारी में बैठने जा रहे हैं। इसके लिए अलवर शहर के अंदर टोटल 70 परीक्षा केंद्रों का हमने बनाए हैं, जिसके अंदर हमारे द्वारा सभी CS, ACS, वीक्षक, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। और कल डिप्टी कॉर्डिनेट के माध्यम से कल परीक्षा जो है इसमें पेपर वितरित किए जाएंगे। परीक्षा का जो समय है वो प्रातः सुबह 8:30 से 11:30 और जो द्वितीय पारी है वो 2:30 से 5:30 बजे तक का है। इसके अलावा जो हमारे द्वारा जो जिला प्रशासन के द्वारा विशेषकर भरतपुर से और दौसा से जो परीक्षार्थी हैं अलवर जिले में आने वाले, उनके लिए हमारे द्वारा जो है अस्थायी बस स्टैंड का 4 निर्माण किया गया है। और इसके अंदर लगभग जो है करीबन 400 बसें जो है हमारे द्वारा जो है उनको दी जाएंगी, जिसके माध्यम से जो यातायात व्यवस्था है वो सुगम रहेगी।